लेट हो गया आसिम। एमन आई हुई है? खैर से तो आई हो ना? जी बिल्कुल खैरियत से आई हूँ। चलो अच्छा है, थोड़े दिन अपनी अम्मी के साथ इस घर में भी गुजार लो। फिर तो तुम लोग ने वही पुराने घर में जाना है जहां से आए थे। हमें मुश्किल नहीं होगी चाची, दौलत की चमक ने हमारे दिमाग को माफ नहीं कर दिया। आप अपना सोचें, आपका क्या होगा? जिन्होंने हमेशा दूसरों की मेहनत पे अपने महल खड़े किए, कैसे रहेंगे छोटे घर में? अभी भी तुम्हारा दिमाग खराब ही है। रहने दें आसिम, जैसी इसको नंद और सास मिली है ना, बहुत जल्द इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। चलें, देर हो रही है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब्बू के घर जा रहे हैं, नौमी के रिश्ते की बात करने। खैर से मैं नौरीन की शिजा का हाथ मांग रही हूँ अपने नौमी के लिए, और इसके अमेरिका जाने से पहले निकाह भी कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही सादतमंद और फरमाबरदार बेटा है मेरा। माँ बाप के फैसले के आगे सर झुका दिया उसने। अल्लाह मुबारक करे। जी भाभी, बस सारी बात ना तरबियत की होती है। वैसे कमाल है आसिम भाई, मम्मी के रिश्ते का फैसला आपने खुद ही कर लिया, किसी से मशवरा तक नहीं किया। वो दरअसल नौमी को भी शिजा पसंद है, और अभी वो अमेरिका जा रहा है तो उससे पहले हम लोग प्लान कर रहे थे। तो अपने बेटे की पसंद पे इतना ख्याल, और एमन की पसंद पे 100 इतराज थे आप लोगों को। आसिम चले, देर हो रही है। आपको पता है अब्बू का गुस्सा तेज है, गुस्सा आ गया तो खामखे में मसला होगा।